नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:27 तक रहेगी। आज नरक चतुर्दशी है, उसके बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। आज दोपहर 2:33 तक वैधित योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर 2:42 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज हनुमान जयंती और दीपावली का त्यौहार है, आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपने बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अक्टूबर की दोपहर 12:46 से अगली सुबह 6:06 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग भी नहीं बन रहा है। अब ये योग 27 अक्टूबर की दोपहर 12:11 से अगली सुबह 6:06 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त तो कल, यानी कि 25 अक्टूबर की शाम 5:45 से रात 11:30 तक, और एक बार फिर देर रात 1:50 से अगली सुबह 6:59 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त तो 26 अक्टूबर की सुबह 6:59 से सुबह 8:43 तक, और एक बार फिर दोपहर पहले 11:02 से दोपहर 1:54 तक रहेगा। आज कोई अशुभ समय नहीं रहेगा। अब ये अशुभ समय कल यानी कि 25 अक्टूबर की शाम 4:19 पर होगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, वृष, कन्या और वृश्चिक राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बार और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 7:52 से 9:17 तक, मुंबई सुबह 8:03 से 9:29 तक, चंडीगढ़ सुबह 7:55 से 9:19 तक, लखनऊ सुबह 7:36 से 9:01 तक, भोपाल सुबह 7:47 से सुबह 9:13 तक, कोलकाता सुबह 7:03 से 8:29 तक, अहमदाबाद सुबह 8:06 से 9:32 तक, और चेन्नई में राहुकाल होगा आज सुबह 7:29 से 8:57 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है, तो आज वो शुभ दिशा है दक्षिण और दक्षिण पश्चिम। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि। मेष राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत आपके लिए फेवरेबल होने वाली है। आज आप वर्किंग प्लेस पर खूब मेहनत करेंगे। आपको कई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं जिन्हें आप अच्छी तरह से निभाएंगे। इस राशि के मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन फायदेमंद होगा। आपके घर में उत्सव का माहौल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। नए काम करने की सोच से आपको धन लाभ के अवसर मिलेंगे। लोग आपकी योजना पर काम करने के लिए आपसे सलाह भी लेंगे। आर्थिक स्थिति बेटर होगी। छात्र अपनी पढ़ाई में नए बदलाव करेंगे। माता लक्ष्मी की उपासना करने से आपकी आर्थिक स्थितियों में सुधार आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन लाभदायक रहने वाला है। आज मेहनत का परिणाम आपके फेवर में होगा। आप खुद पर ध्यान देंगे। समाज में आपके सराहनीय काम का सम्मान किया जाएगा। काम में आपका कॉन्फिडेंस आपको सक्सेस दिला सकता है। शाम का समय आप अपने परिवार के साथ बिताएंगे। परिवार में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। अपना ध्यान ईश्वर भक्ति में लगाइए, मन शांत रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन उत्साह से भरा रहने वाला है।
आपका सोचा हुआ काम आज पूरा हो जाएगा। बिजनेस पार्टनर के साथ किए गए कामों से आज आपको फायदा होगा। आपकी सोसाइटी में आज आपको मान सम्मान मिलेगा। अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए आप सीजनल फ्रूट शामिल करेंगे। किसी गरीब को खाना खिलाइए, आपको मनोवांछित फल प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। समय का पूरा सदुपयोग करें। आज दूसरों को जितना महत्व देंगे आपको भी उतना ही महत्व मिलेगा। आज आप अपने घर को नए तरीके से सजाएंगे। माइग्रेन की समस्या से आज आपको काफ़ी राहत मिलेगी। फालतू की बातों पर ध्यान न दें। आप किसी मंदिर में जा सकते हैं जहां आपकी किसी मित्र से मुलाकात होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन जीवन में एक नई दिशा लेकर आएगा। आज कोई इम्पोर्टेंट काम सहयोगियों की मदद से पूरा हो जाएगा। साथ ही किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बातचीत भी होगी। आपको अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे चलकर भविष्य में काम आएगा। आज आपके विचारों को महत्व मिलेगा। गाय की सेवा करें, आपको सभी प्रकार के कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। तुला राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहने वाला है। आज किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे जहां आपको कुछ गरीबों की मदद भी करेंगे। हर काम को धैर्य और समझदारी से पूरा करने की कोशिश करेंगे। आपका काम सफल होगा। आपके खर्च बढ़ सकते हैं। किसी से मदद मांगने में संकोच न करें, सब आपके फेवर में है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छी होने वाली है। बच्चों के प्रति आपका प्रेम आपको उनका प्रिय बना देगा। आज आप अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। आज आप गौ सेवा करने के लिए गौशाला जाएंगे। वहां आप अन्य लोगों से भी मिलेंगे। आज आप कुछ क्रिएटिव वर्क कर सकते हैं। लोगों को आपके काम करने का तरीका पसंद आएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। धनु राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। आज किसी पुराने दोस्त से मिलने उसके घर जाएंगे। पुरानी यादें ताज़ा होंगी। आपको थकान और तनाव महसूस हो सकता है। अच्छी डाइट आपको फिट रखने में मदद करेगी। अगर जीवन साथी के साथ अनबन चल रही है तो आज इसे सुलझाने के लिए दिन अच्छा है। पास के किसी मंदिर की साफ सफाई में सहयोग करें। आपके बिगड़ते काम बनेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। मकर राशि वालों, आज आप अपने दिन की शुरुआत शांत मन से करेंगे। अगर आप कुछ सामान खरीदना चाहते हैं तो घर वालों से विचार विमर्श करना अच्छा रहेगा। मित्रों को अपने घर पर आमंत्रित कर सकते हैं। आज फालतू विवादों से दूर रहने की कोशिश करें। किसी भूखे को खाना खिलाने से आपको शुभ आशीष मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सी ग्रीन और लकी नंबर है 2। कुंभ राशि वालों, आज आपके दिन की शुरुआत अच्छे मूड के साथ होने वाली है। आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर रहेगी। आज पैसों के मामले में उन्नति के नए रास्ते खुलेंगे। आज आप उन चीज़ों को ज़्यादा महत्व दीजिए जो आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आपको अपने काम, परिवार और दोस्तों के बीच संतुलन बनाकर रखना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज आपका दिन नई उमंगों के साथ शुरू होने वाला है। इस राशि के जो लोग बेकरी बिजनेस के क्षेत्र से जुड़े हैं उन्हें आज उम्मीद से ज़्यादा लाभ हो सकता है, जिससे आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहेगी। माताएं अपने बच्चों को कुछ नया सिखाएंगी, जिससे बच्चों में नए विचार आएंगे। शाम का समय आपका मस्ती और उमंग से भरा रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज धर्म स्थल पर माथा टेकें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज एक साथ बैठकर खाना खाएं तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे दीपावली के दियों की दिशा के बारे में। आज दीपावली का वैज्ञानिक प्रभाव पाने के लिए स्थानीय मिट्टी से बने दिए में सरसों के तेल के दीपक ही जलाएं। ये जो आप मोमबत्ती जला लेते हैं ना, ये कॉस्मेटिक है। ये दीपावली का, ये जो हमारे सनातन धर्म के त्यौहार हैं, इनका अपना एक मतलब होता है।
ये अर्थहीन नहीं है कि दिए जलाना या पटाखे फोड़ना। अब मोमबत्ती चूँकि ईजी पड़ती है, और हम मनुष्यों के क्या आदत है, हमारा मन कैसा है, मन लीस्ट रेजिस्टेंस चाहता है। यानी जैसे पानी छोड़ो तो नीचे की तरफ जाएगा, वैसे ही मन जिसमें कम रेजिस्टेंस हो वो काम चाहता है। अब मोमबत्ती आसान है, खट से जला ली, मिट्टी के दिए में पहले दिया लाओ, फिर तेल डालो, फिर बत्ती बनाओ, फिर बत्ती लगाओ उसमें, फिर जलाओ, और फिर देखो कि अगर तेल ख़त्म हो रहा है तेल बढ़ाओ, तो इतना झंझट कौन पालेगा। मोमबत्ती लगा ली, नो सर मैम नो, यू आर नॉट गोइंग टू गेन ए बेनिफिट ऑफ दीपावली दिया। इफ़ यू वॉन्ट टू गेन बेनिफिट ऑफ दीपावली दिया, देखो अभी जब सीजन होता है तो फ्लू क्यों होता है, बरसात में बहुत सा फंगस डेवलप हो जाता है, ए लॉट ऑफ फंगस। अभी जब लोगों को कोविड हुआ और कोविड के बाद ब्लैक फंगस होने लगा, तो लोग इतना डर गए कि ब्लैक फंगस। अभी अरे ब्लैक भी है, ब्राउन भी है, ग्रीन भी है, येलो भी है, ब्लू भी है, लाखों फंगस है। जानते हैं कितने फंगस के बारे में भाई आप? अभी तो आपकी जानकारी ठीक से शुरू ही नहीं हुई। तो ये जो फंगस डेवलप हो जाते हैं, जो विषाणु डेवलप हो जाते हैं, जो कीटाणु डेवलप हो जाते हैं ऋतु परिवर्तन के इस समय में, ये सरसों के तेल के दीपक से ही मरेंगे, ठीक किसी और मोमबत्ती से इनका स्वर्गवास नहीं होगा। स्थानीय मिट्टी से बने हुए दीपक में सिर्फ सरसों का तेल ही डालना है, यानी कि स्थानीय जलवायु के अनुसार अपनी जगह की मिट्टी में सरसों के तेल का दीपक जलाने से, ऐसा करने से लक्ष्मी का आगमन बताया गया है। अब लक्ष्मी कैसे आएगी? लक्ष्मी तब आएगी जब हमको बार बार फंगस हमारे अंदर ना जाए, हमको फ्लू ना हो, हम छींकने न लगे, नाक न बहने लगे, स्वास्थ्य हमारा अच्छा रहे, और जब हम स्वस्थ होंगे तो काम करेंगे, काम करेंगे तो लक्ष्मी आएगी। डायरेक्ट जोड़ दिया गया कि इस समय में सरसों के तेल का दीपक मिट्टी में जलाने से लक्ष्मी का आगमन होता है। बात तो ठीक है, घर की धन संपदा में बढ़ोतरी होती है, और तेल के इंद्रियों को घर कैसे रखेंगे, इसकी सिमिट्री क्या है, इसका वास्तु क्या है, इसको ध्यान से समझ लीजिए। यू हैव टू बिगिन फ्रॉम साउथ ईस्ट कॉर्नर, दक्षिण पूर्व कोने में सबसे पहला दिया रखेंगे, और दियों को रखते हुए साउथ वेस्ट कॉर्नर में आएंगे। साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी सबसे पहले घर की दक्षिणी साइड में दीपक रखेंगे, साउथ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक घर के सबसे पहले दक्षिण साइड में दीपक जलाना है, फिर घर के पश्चिम साइड में दीपक जलाना है, वेस्ट साइड में, यानी साउथ वेस्ट से रखना शुरू किया, नॉर्थ वेस्ट तक गए, फिर घर की पूरब दिशा में रखना है, साउथ ईस्ट से रखना शुरू किया और नॉर्थ ईस्ट तक गए, फिर घर की उत्तर दिशा में दीपक जलाने, ठीक है, और सबसे लास्ट में नॉर्थ ईस्ट दिशा में दीपक जलना चाहिए। इस क्रम में दीपक रखने से घर में सब आनंद मंगल हो जाता है, और उससे भी और दीपकों की संख्या में भी है, सबसे ज़्यादा दीपक साउथ में, उससे कम दीपक वेस्ट में, उससे कम दीपक ईस्ट में, और सबसे कम दीपक उत्तर दिशा में रखने चाहिए। इस क्रम में दीपक रखने से शुभ और अच्छे प्रभाव प्राप्त होते हैं। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि उदया तिथि है और सोमवार का दिन है। चतुर्दशी तिथि आज शाम 5:27 तक रहेगी, उसके बाद अमावस्या लग जाएगी। आज दोपहर 2:33 तक वैधित योग रहेगा। वैधित योग स्थिर कार्यों है तो ठीक है, लेकिन कोई भागदौड़ करने वाला काम करना या यात्रा आदि करनी हो तो इस योग में नहीं करनी चाहिए। साथ ही आज दोपहर 2:42 तक हस्त नक्षत्र रहेगा, उसके बाद चित्रा नक्षत्र लग जाएगा। हस्त नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे चित्रा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों में से चित्रा 14वां नक्षत्र है, इसके स्वामी मंगल हैं। पेड़ पौधों में इसका संबंध बेल के पेड़ से बताया गया है, अतः आज के दिन चित्रा नक्षत्र के दौरान बेल के पेड़ की उपासना बड़ी ही फलदायी होगी, क्योंकि वैसे भी वनस्पति स्तव वृक्षों अथ बिल्वा, आज लक्ष्मी जी की पूजा की जानी है और बेल के पेड़ में उनका निवास है। तो ये थी वैधित योग
और चित्रा नक्षत्र की चर्चा और अब बात करेंगे आज नरक चतुर्दशी के दिन किए जाने वाले विभिन्न कार्यों के बारे में। आज नरक चतुर्दशी का पहला कार्य है तेल मालिश करके स्नान करना। माना जाता है कि चतुर्दशी को लक्ष्मी जी तेल में और गंगा सभी जलों में निवास करती हैं, लिहाजा आज तेल मालिश करके जल से स्नान करने पर माँ लक्ष्मी के साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है और व्यक्ति को जीवन में तरक्की मिलती है। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले दूसरे कार्य की। आज जड़ समेत मिट्टी से निकली हुई अपामार की टहनियों को सिर के ऊपर घुमाने की भी परंपरा है। शास्त्रों के अनुसार कुछ ग्रंथों में अपामार के साथ लौकी के टुकड़े को भी सिर पर घुमाने की परंपरा का जिक्र आया है। ऐसा कहते हैं कि ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है और व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता। दरअसल आज नरक चतुर्दशी को जो भी कार्य किए जाते हैं जो वो कहीं ना कहीं इस बात से जुड़े हुए हैं कि व्यक्ति को नरक का भय न रहे और वो अपना जीवन खुशहाल तरीके से जी सके। अच्छा, नरक चतुर्दशी के दिन आज यम देवता के निमित्त तर्पण और दीपदान का भी विधान है। आज तर्पण करते समय दक्षिणाभिमुख होकर यानी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके तिलयुक्त जल से यमराज के निमित्त तर्पण करना चाहिए और कहना चाहिए यमाय नमः यमं तर्पयामि, यमाय नमः यमं तर्पयामि। बता दूं कि तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को दाहिने कंधे पर रखना चाहिए और तर्पण करने के बाद यमराज यमदेव को नमस्कार करना चाहिए। मतलब उस सामान्यतया जिस कंधे पे आप रखते हैं उस कंधे से उतार के दूसरे कंधे पर कर लेना चाहिए। और अब बात करते हैं आज के दिन किए जाने वाले दीपदान की। आज नरक चतुर्दशी के दिन शाम के समय दीपदान करने का भी महत्व है। कहते हैं आज दीपदान करने से व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, उसे नेगेटिविटी से छुटकारा मिलता है, लिहाजा आज दीपदान जरूर करना चाहिए, दिए जरूर जलाने चाहिए। ग्रंथों में इस दिन नरकासुर के निमित्त चार दीपक जलाने की परंपरा है। ये दीपक दक्षिण दिशा में जलाए जाने चाहिए। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ब्रह्मा विष्णु और शिव आज देवी देवताओं के मंदिरों में, मठों में, अस्त्रागारों में, यहाँ यानी कि जहाँ पर अस्त्र आदि रखे जाते हों, बाग बगीचों में, घर के आंगन में, नदियों के पास दीपक जलाने चाहिए। इसके अलावा चर्चा कर लेते हैं आज किए जाने वाले कुछ अन्य कार्य भी हैं। तिथि तत्व के अनुसार नरक चतुर्दशी को 14 प्रकार के साग पत्तों का सेवन करना चाहिए। इसके अलावा दक्षिण भारत में लोग आज स्नान के बाद कारीट नामक स्थानीय कड़ुआ फल पैर से कुचलते हैं जो संभवतः नरकासुर के नाश का द्योतक है। देखो, इस फल को कुचलने से क्या होता है, इसका जो रस है वो आपके पैर के तलुओं में रख करके अंदर जाता है, जो हेलमिंथ से मुकाबला कर, आप जानते हैं हेलमिंथ क्या है, मॉडर्न डे साइंस ने ढूंढ लिया, हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया पलते हैं, हमारी स्किन पर जो बैक्टीरिया हमारी स्किन को डिफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे कहते हैं ना डेथ के बाद लाश डिफॉर्म होने लगती, तो वो लाइफ टाइम में भी बैक्टीरिया हमारे शरीर पे होते हैं और जहाँ उनको कोई ऐसी ख़राब चीज़ मिल जाती है तो उसको खा करके वो कारीट का फल पैर से कुचलने से, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, मदार का पत्ता डायबिटिक लोग अगर अपने जूते में रख लें तो उनकी डायबिटीज़ जो है ग्रेजुअली डाउन हो जाती है। क्यों? पैर के तलुओं में भी तो है ना कुछ, उससे भी तो हम ग्रहण करते हैं। तो कारीट का फल पैर से कुचलने से साल के इस दिन, जैसे हमने बताया कि ये लड्जीरा सर पे रख के नहाना चाहिए, वैसे कारीट का फल पैर से कुचलना चाहिए। बता दूं कि गुजरात में आज माँ काली की उपासना की जाती है, इस दिन वहाँ को वहाँ पर काली चतुर्दशी के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आज हनुमान जी की उपासना करने का भी विशेष विधान है। कहते हैं आज हनुमान जी का जन्म हुआ था, लेकिन आपको ये भी बता दूं कि हनुमान जी की जन्मतिथि को लेकर कुछ मतभेद हैं। कुछ लोग हनुमान जयंती आज यानी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मानते हैं, जबकि कुछ का मानना है कि हनुमान जी का जन्म चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को हुआ था। ग्रंथों में इन दोनों का ही उल्लेख मिलता है, लेकिन इन दोनों के कारणों में भिन्नता देखने को मिलती है। चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को जन्मदिवस के रूप में, जबकि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में मनाया जाता है। अहम बात यह है कि हम दोनों ही तिथियों पर, इन दोनों ही तिथियों पर हनुमान जी की उपासना का विधान है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या को दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है, लिहाजा आज दीपावली भी है। क्यों? हमारे भारतवर्ष में मनाए जाने वाले हर त्यौहार के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है और हर त्यौहार को अपनी एक अलग पहचान होती है।
दीपावली का ये त्यौहार खुशियों का त्यौहार है। शास्त्रों में दीपावली की रात्रि को सुख रात्रि, दीपालिका, व्रत प्रकाश और सुख व्रत प्रकाश नामक ग्रंथ में सुख सुप्तिका की संज्ञा दी गई। शास्त्रों में आज किए जाने वाले बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों का जिक्र किया गया है जो हमारी खुशहाली से, हमारे सुख सौभाग्य से और हमारी आर्थिक तरक्की से जुड़े हुए हैं। और अब चर्चा करेंगे आज किए जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण उपायों के बारे में। इसके अलावा देव पितरों की पूजा की जानी चाहिए, दही दूध से पारवण श्राद्ध करना चाहिए, साथ ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अब बता दूं कि किसी पर्व पर किए गए श्राद्ध को पारवण श्राद्ध कहते हैं। आज परिवार में एक दूसरे को पान का पत्ता देना चाहिए और कुमकुम लगाना चाहिए, रेशमी वस्त्र और आभूषण धारण करने चाहिए। आज कुमारियों को घर में चावल बिखेरने चाहिए, लेकिन हमारी संस्कृति है कि आप चावलों को बिखेरने के बजाय घर के दरवाजे पर आटे की सहायता से चिपका दीजिए। साथ ही इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र, अब देखो चावल बिखेरने के पीछे भी कारण क्या है, उसका भी कारण सिंपल एक्यूप्रेशर है। आपने चावल बिखेरे, घर में चावल उठे रहेंगे, आपका चाहे जितना चिकना फर्श हो आप पैर रखेंगे तो चावल दबेगा, और जब आप उन चावलों पर चलेंगे तो एक्यूप्रेशर होगा। ये दीपावली की रात विशेष अमावस्या की रात मानी जाती है। चलो आगे चलो। इसके साथ ही विजय के लिए दीपक जलाकर उसकी लौ पूरे घर में दिखानी चाहिए। आज शाम के समय प्रदोष काल में मंदिर आदि पवित्र स्थलों पर दीपक जलाने चाहिए, इसके बाद घर में सभी जगहों पर दीपक जलाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार आज व्यापारियों के लिए बड़ा आज का दिन महत्व रखता है। व्यापारी लोग आज अपने बही खातों की पूजा करते हैं, अपने मित्रों और अन्य व्यापारियों को आमंत्रित करते हैं और उनका पान और मिठाइयों से सम्मान करते हैं। आज पुराने खाते बंद करके नए खाते खोले जाते हैं और लक्ष्मी पूजा के समय बही खाते रखे जाते हैं और उनकी रोली चावल से पूजा की जाती है, फिर उन्हें भैया दूज के दिन से काम में लिया जाता है। आपको बता दूं कि आज शाम के समय माँ लक्ष्मी और श्री गणेश के साथ ही कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। जैसे माँ लक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है, उसी प्रकार कुबेर जी को धन का देवता कहा जाता है, और जिस घर में दोनों निवास करते हैं वहाँ पर धन की कभी कमी नहीं होती। शाम के समय माँ लक्ष्मी, श्री गणेश और कुबेर जी की पूजा करने की सही विधि क्या है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट बात आज की, कि आज की दिवाली पूजन मुहूर्त क्या है। तो चतुर्दशी तिथि शाम 5:27 तक रहेगी, 5:27 से ही अमावस्या शुरू हो जाएगी। अमावस्या तिथि 5 और अमावस्या में दीपावली पूजन होगा। इसमें प्रदोष काल में शाम 5:42 से 7:18 तक चर की चौघड़ियाँ रहेगी। लेकिन प्रदोष काल क्या, प्रदोष काल तो सनसेट के बाद होगा, जब सनसेट होगा 6:42 पे तब। अब सनसेट कलकत्ता में पहले हो जाएगा, बनारस में उसके बाद, लखनऊ में उसके बाद, दिल्ली में उसके बाद, अहमदाबाद उसके बाद। तो प्रदोष काल शुरू होता है सनसेट के बाद। जो चौघड़िया का टाइम, हम ये दिल्ली का टाइम बता रहे हैं, 5:42 से 7:18 चर की चौघड़िया। अब 7:27 तक ये शुक्र का, 8:27 तक बुध का और 9:27 तक चंद्र का होरा काल रहेगा। अब जब चौघड़िया देख रहे हो तो होरा भी देख लो। तो 7:27 तक शुक्र का होरा काल है शाम के सनसेट के बाद, 8:27 तक बुध का होरा काल है और 9:27 तक चंद्र का होरा काल, उसके बाद होरा काल गड़बड़ा जाएगा थोड़े समय के लिए, एक आध के बाद फिर ठीक। शाम को 6:53 से रात 8:49 तक वृष लग्न रहेगी। अब चूंकि अमावस्या तिथि दीपावली के पूजन के लिए, प्रदोष बेला को दीपावली पूजन में सिद्ध बेला माना जाता है, दीपावली के पूजन में प्रदोष बेला को एकदम सिद्ध बेला माना जाता है, अस्तु लग्न शुद्ध जरूरी नहीं है, दिमाग से निकालिए, वार से त्यौहार बड़ा। अब द्विस्वभाव लग्न मिथुन रात 8:49 से 11:03 तक रहेगी। अब देखिए महान शीतकाल रात 11:17 से रात 12:08 तक, रात 10:29 से 12:05 तक लाभ की चौघड़िया। तो अब देखो लाभ की चौघड़िया पहले शुरू हो रही महान शीतकाल बाद, तो अब आपको रात में
अतः इस दीपावली के तीन मुहूर्त, तीन मुहूर्त हो गए। पहला मुहूर्त, पहला सिद्ध मुहूर्त दोपहर में हम आपको हर साल बताते हैं, अभिजीत मुहूर्त होता है, जिसमें इस वर्ष चतुर्दशी तिथि है, इसलिए खूब जोर जोर से बता रहा हूँ, कृपया इन बोल्ड्स ध्यान से सुनिए। हर साल आपसे कहता हूँ ना कि ऑफिस में पूजा दोपहर में हो जाएगी, अपने शोरूम में पूजा दोपहर में हो जाएगी, इस साल नहीं होगी। इस साल अभिजीत मुहूर्त में चतुर्दशी तिथि है, चतुर्दशी तिथि में दीपावली पूजन नहीं, इस साल दीपावली। दूसरा सिद्ध मुहूर्त प्रदोष काल, तो जो ऑफिस वगैरह की पूजा है वो भी प्रदोष काल में ही होगी इस बार। दूसरा प्रदोष काल है अस्तु, इस बार सूर्यास्त के तुरंत बाद, जो देखो रात के चार हिस्से करो तो सूर्यास्त के बाद का जो पहला हिस्सा है वो प्रदोष बेला होता है। सूर्यास्त के तुरंत बाद गृहस्थों को दीपावली पूजन करना चाहिए, और अपने ऑफिस में भी अगर आपको करना है तो प्रदोष के बाद ही करिए। व्यापारिक संस्थान भी इस दौरान पूजा कर सकते हैं। तीसरा सिद्ध मुहूर्त रात में होगा, महानिशीत काल, महातांत्रिकों का समय, तो लाभ की चौघड़िया से युक्त महानिशीत काल यानी 11:17 से 12:05 के बीच ये समय बहुत अच्छा रहे। इस दौरान खाता बसना, पूजन इत्यादि करना चाहिए। तो ये थी आज शुभ मुहूर्त की चर्चा, और अब बात करेंगे लक्ष्मी पूजन के बारे में। लक्ष्मी पूजन के लिए उत्तर पूर्व दिशा के कोने को अच्छे से साफ करके वहाँ पर लकड़ी का पाटा बिछाएं। कुछ लोग उस जगह को, दीवार को सफ़ेद या हल्के पीले रंग से रंगते हैं। इसके लिए खड़िया या सफ़ेद मिट्टी और गेरू का इस्तेमाल किया जाता है। इससे पूजा स्थल की ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है। तो लकड़ी का पाटा बिछाने के बाद उस पर लाल कपड़ा बिछाइए और लक्ष्मी जी, गणेश जी, कुबेर की स्थापना कीजिए। ध्यान रहे लक्ष्मी जी की मूर्ति को गणेश जी के दाहिने हाथ पर स्थापित करना चाहिए। पूजा के लिए कुछ लोग सोने, चांदी, मिट्टी की मूर्ति या फिर कागज पर बने लक्ष्मी गणेश की पूजा करने की भी परंपरा है। इस प्रकार मूर्ति स्थापना के बाद पूजा स्थल को फूलों से सजाएं, साथ ही पूजा के लिए कलश या लोटा उत्तर दिशा की तरफ रखें और दीपक को आग्नेय कोण में रखें। लक्ष्मी पूजा में फल, फूल, मिठाई के साथ पान सुपारी, लौंग, इलायची, कमलगट्टे का भी बड़ा महत्व है। इसके अलावा धनतेरस के दिन आपने जो सामान खरीदा हो उसे भी लक्ष्मी पूजा के समय लक्ष्मी पूजा स्थल पर जरूर रखें, उसकी पूजा करें। धनतेरस के दिन हमने आपको कुछ विशेष चीज़ें, लक्ष्मी यंत्र, कुबेर यंत्र, चांदी का सिक्का और कौड़ियाँ खरीदने के बारे में कहा था। हमने कल के दिन का आपसे कहा था कि आप इन चीज़ों को खरीदिए, दिवाली के दिन इनका क्या उपयोग करना है ये हम आपको उसी दिन बताएंगे। तो आज दिवाली है, उन उपायों को करने का दिन है। तो सबसे पहले बात करते हैं धनतेरस के दिन खरीदे गए चांदी या सोने के सिक्के के उपाय के बारे में। अगर आप अपने बिजनेस और घर में स्थायी रूप से धन की वृद्धि चाहते हैं तो आज शाम को लक्ष्मी पूजा के समय एक कटोरी लेकर उसे चावल से आधा भर लीजिए। अब धनतेरस के दिन आपने जो सिक्का खरीदा था उसे इन चावलों पर रखिए और कटोरी को ढक लीजिए। अब लक्ष्मी जी के आगे जलाए हुए घी के दियों में से एक दीपक लेकर उस कटोरी के ऊपर रखे बर्तन पर ढक दीजिए और उसे किसी चीज़ से कवर कर दीजिए। जला हुआ दीपक कुछ समय बाद अपने आप बुझ जाएगा। अब इस कटोरी को ऐसे ही रहने दीजिए। कटोरी को अब सीधे भैया दूज के दिन खोलना है। भैया दूज के दिन उस कटोरी को खोलकर उसमें से सिक्का निकालकर अपनी तिजोरी में रख लीजिए और उन चावलों को भी एक लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लीजिए। ऐसा करने से साल भर आपके घर और बिजनेस में वृद्धि होगी। और अब बात करेंगे लक्ष्मी यंत्र के बारे में। धनतेरस पर खरीदे गए लक्ष्मी यंत्र को आज शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रखिए। अगर आप किसी कारणवश धनतेरस के दिन यंत्र न ले पाए हों तो आज भी ले सकते हैं। इस यंत्र को देवी माँ के सामने रखकर लक्ष्मी पूजा के साथ ही इसकी भी विधिवत धूप दीप आदि से पूजा करें और यंत्र को सिद्ध करने के लिए लक्ष्मी जी के मंत्र का जप करें। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। लेकिन अगर आपको इस मंत्र का जप करने में कठिनाई महसूस हो तो केवल श्रीं ह्रीं श्रीं
इतना ही जप कर लीजिए, क्योंकि देवी माँ का एकाक्षरी मंत्र तो केवल श्रीं ही है, तो ये मंत्र भी आपको काम करेगा, अच्छा काम करेगा। साथ ही ध्यान रहे कि लक्ष्मी के मंत्र जप के लिए स्फटिक और कमलगट्टे की माला को उत्तम बताया गया है, लेकिन अगर ये दोनों न हो तो रुद्राक्ष की माला पर भी जप कर सकते हैं। और अब चर्चा करेंगे कुबेर यंत्र की। आज शाम को दिवाली पूजा के समय लकड़ी के पाटे पर, हम शाम को सब बता करके दिखाएंगे आपको, लकड़ी के पाटे पर कुबेर यंत्र भी रखिए और उसकी विधिपूर्वक प्राण प्रतिष्ठा करके पूजा कीजिए। साथ ही 16 मंत्र महाणों में दिए हुए कुबेर जी के 16 अक्षरों के मंत्र का जप कीजिए। मंत्र है ओम श्रीं ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। आज इस मंत्र का कम से कम 51 बार जाप करके यंत्र को सिद्ध कर लीजिए और अपने घर में स्थापित कीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर से धन संबंधी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। इसके अलावा धन कारक कौड़ियों का उपाय भी जान लीजिए। आज के दिन 11 कौड़ियां लेकर उन्हें केसर या हल्दी से रंगकर शाम को दिवाली पूजा के समय माँ लक्ष्मी के सामने रख दें और दिवाली पूजा के बाद उन कौड़ियों को एक पीले रंग के कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख लें। आज के दिन ऐसा करने से आपको खूब सारा धन लाभ होगा। इसके अलावा आज किए जाने वाले कुछ अन्य उपाय भी जान लेते हैं। बच्चों को अपनी बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी के लिए, विद्या धन का लाभ पाने के लिए आज रात को लक्ष्मी पूजा के लिए जलाए घी के दीयों के साथ सरसों के तेल के एक बड़े दीपक की रोशनी में कुछ देर पढ़ाई करनी चाहिए और बाद में किताब को बंद करके वहीं लक्ष्मी पूजा के स्थान पर छोड़ देना चाहिए। अभी इस किताब को भैया दूज के दिन खोलना है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन पढ़ाई नहीं की जाती। बच्चों ध्यान से सुनो और बच्चों के पेरेंट्स आप भी खबरदार, कोई बच्चों को कल पढ़ने के लिए नहीं कहेगा। बच्चों कल पढ़ाई बंद, कोई पढ़ाई नहीं होगी कल, परसों से होगी। भैया दूज के दिन रोली से उस किताब की पूजा करनी चाहिए और उसके ऊपर खील चिपकानी चाहिए। इसके बाद फिर से पढ़ाई शुरू करनी चाहिए। लोग इस उपाय को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के साथ भी कर सकते हैं। तो आज के दिन ऐसा करने से बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी होती है, विद्या धन का लाभ मिलता है। अगर आप साल भर तक दूसरों की बुरी नज़र से या अपने पूरे परिवार को बचाए रखना चाहते हैं तो आज रात को लक्ष्मी पूजा के समय देसी घी के दीयों के साथ जलाए गए सरसों के तेल के दीपक की लौ को एक दूसरे कच्ची मिट्टी के दीपक से ढक दीजिए। फिर अगले दिन इस मिट्टी के बर्तन पर जमे कार्बन को घी से सानकर, संभव हो तो गाय के घी से सानकर, उसे बने काजल के टीके को अपने साथ साथ अपने परिवार के सब सदस्यों की आंखों में लगाइए। कुछ लोग अपनी परंपराओं के अनुसार दिवाली की रात को ही काजल बनाकर आंखों में लगा लेते हैं। आप अपनी परंपरा के अनुसार ये उपाय कर सकते हैं। आज के दिन ऐसा करना बहुत ही शुभ रहता है। इससे साल भर व्यक्ति दूसरों की बुरी नज़र से बचा रहता है। तो ये थी सारी चर्चा आज वैद्य योग, चित्र नक्षत्र, नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती और दीपावली उत्सव के बारे में। उम्मीद है कि आप इसका लाभ जरूर उठाएंगे। लेकिन बात ख़त्म करने के पहले एक छोटी बात ये बता दूँ कि देखो, इस बार वक्री गुरु में दिवाली पड़ रही है। गुरु भी वक्री है, शनि भी वक्री, तो गुरु और शनि दोनों के वक्री होने की वजह से इस बार वित्त का क्षय, अब कभी कभी वो चोरी से भी हो सकता है या कैसे भी हो सकता है, तो ऐसे में चोरी पकड़ने का एक बड़ा सुंदर उपाय है मंत्र महारणों मिश्रखंड में दिया हुआ। वो मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं, इस साल सब लोग उसको 7 बार पढ़ लो, जरूरत पड़ेगी तो उसका प्रयोग भी बाद में बताएंगे। मंत्र है रास्ती मौज में रजस खुदाए, कश्म न दीदम अजगुम सुध रहे रास। मंत्र फिर से पढ़ देता हूं। रास्ती मौज में रजस खुदाए, कश्म न दीदम अजगुम सुध रहे रास। फिर से सुनिए, रास्ती मौज में रजस खुदाय, इस उस खुदा से इसका कोई लेना देना नहीं, ये इस मंत्र का हिस्सा है। रास्ती मौज में रजस खुदाय, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास। रास्ती मौज में रजस खुदाय, कश्म नदीदम अजगुम सुध रहे रास।
आज की रात वो सरसों के तेल वाले और घी के दीपकों की रोशनी में इसको जरूर पढ़िए 7 बार, ये अभी इस साल आपके काम आने वाला है। और अब चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का, आज किसी बच्चे को फल दीजिए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही, नमस्कार। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।